गायत्री। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टैटिक डेटा मेंबर। स्टैटिक डेटा मेंबर में मैंने आप लोगों को बताया था स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक फंक्शन। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड फंक्शन और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं फ्रेंड फंक्शन मतलब क्या होता है। अब जैसे कि तीन एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं आप लोग को के क्लास के अंदर, ठीक है, मतलब आप क्लास के अंदर तीन एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हो। जो तीन एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं वो होते हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। हम लोग पब्लिक के अंदर कुछ भी लिखते हैं, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर अगर मैंने कुछ भी डिफाइंड किया तो आउटसाइड दी क्लास वो कहीं पे भी एक्सेस करवा सकता है। बट जब बात आती है प्रोटेक्टेड और प्राइवेट की, तो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का डेटा हम लोग आउटसाइड दी क्लास अगर यूज करना है तो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि प्राइवेट का डेटा हम लोग आउटसाइड दी क्लास यूज नहीं कर सकते हैं, बट वही प्रोटेक्टेड का डेटा अगर किसी दूसरे क्लास के साथ रिलेशन है तो ही हम लोग प्रोटेक्टेड के डेटा को एक्सेस करवा सकते हैं। बट फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जो आप लोग पब्लिक में लिखो, प्राइवेट में लिखो, इवन दो आपका प्रोटेक्टेड में लिखो, आप उसको कहीं पे भी एक्सेस करवा सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि प्राइवेट के डेटा को या प्रोटेक्टेड के डेटा को मुझे एक्सेस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रेंड फंक्शन के थ्रू उसको डिफाइन करेंगे। सो फ्रेंड कीवर्ड से ही आप लोगों का फ्रेंड फंक्शन क्रिएट होता है। आप जैसे नॉर्मल फंक्शन लेते हो उसी टाइप का आपको फंक्शन लेना पड़ेगा, बट उसको एज अ क्या लगाना पड़ेगा, फ्रेंड। फ्रेंड कीवर्ड से कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये फंक्शन क्या है आप लोगों का, फ्रेंड फंक्शन। सो फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है आप लोगों के क्लास के बॉडी के अंदर, बिकॉज क्लास के बॉडी के अंदर ही हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर, और एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर ही हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। तो ये आप लोग देखोगे फ्रेंड फंक्शन के थ्रू कैसे उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। सो सिंटैक्स देखिए, यहाँ पे क्लास बनाया है सैंपल नाम का। अब यहाँ पे मैंने दो ही एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन किए हैं, प्राइवेट पब्लिक, आप प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये पब्लिक वाले सेक्शन के अंदर मैंने कुछ भी लिखा तो ये आउटसाइड दी क्लास यूज होता है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब प्राइवेट के अंदर अगर मैं कुछ भी डिफाइन करती हूँ, ठीक है, तो इसका डेटा हम लोग आउटसाइड दी क्लास यूज नहीं कर सकते, बट वही अगर मैंने इसको फ्रेंड लगा दिया तो ये आउटसाइड दी क्लास यूज हो सकता है, ठीक है, ये आउटसाइड दी क्लास यूज हो सकता है। बट उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए फ्रेंड फंक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपको पता होने चाहिए, उसके थ्रू ही एक्चुअल में फ्रेंड फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फंक्शन इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास टू विच इट हैज बीन डिक्लेयर एज अ फ्रेंड। मतलब कि हम लोग अगर कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर, तो जब हम लोग क्लास के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसको हम लोग आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन देते हैं, तो हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर मेंशन करते हैं, ठीक है। किस तरीके से, ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर रही हूँ सपोज void get नाम का, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्राइवेट में है, और अगर मैं क्लास के बाहर उसको डेफिनेशन देने की कोशिश करती हूँ तो आप लोग क्या करते हो, void क्लास का नाम, क्लास का नाम इज सैंपल, एंड देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड देन गेट नाम का फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, void get वाले फंक्शन के डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास लिखते हो यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। बट यहाँ पे ये जो फ्रेंड फंक्शन होता है उसको स्कोप लिखने की जरूरत नहीं होती है, अगर स्कोप नहीं है तो ये क्लास भी नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप लोग सिंपली क्या करोगे, void get, अगर ये get नाम का फंक्शन आपका फ्रेंड फंक्शन होता तो, मतलब उसको आउटसाइड दी क्लास स्कोप डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं होती है, डिफाइन करना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है विदाउट स्कोप का, ठीक है, अगर आप फ्रेंड फंक्शन डिफाइन करते हो। और जैसे कि आप लोग कोई फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हो, जैसे कि मुझे अगर गेट फंक्शन को, वही गेट फंक्शन को कॉल करना है जो कि क्लास का है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेन के अंदर और ऑब्जेक्ट के थ्रू उस गेट फंक्शन को कॉल करते हैं। बट फ्रेंड फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे कॉल करेंगे, डायरेक्टली कॉल करेंगे, ठीक है, विदाउट एनी क्लास का स्कोप लिए बगैर फ्रेंड फंक्शन मेन के अंदर कॉल होता है, ठीक है।
इसको आप लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल नहीं करोगे, ठीक है? ये एक नॉर्मल फंक्शन जैसा ही होता है, बट विदाउट ऑब्जेक्ट उसको कॉल किया जाता है, ठीक है? एंड देन फ्रेम फंक्शन आप लोग डायरेक्टली उसके नाम के थ्रू एक्सेस करवा सकते हो, ठीक है? जैसे उसका जो भी नाम होगा उसके थ्रू आप लोग क्या करोगे, उसको एक्सेस कराओगे। स्पेशली जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, पब्लिक में तो लिखा वैसे भी वो हर जगह डिफाइंड हो ही सकता है, बट उसको वो स्पेशली प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड वाले पार्ट में डिफाइंड करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि फ्रेंड फंक्शन के है, ठीक है? सो अभी आपको ये पता चला होगा कि किस तरीके से फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है। तो अभी इसको मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है? सो प्रैक्टिकली देखते हैं उसको। फाइल ओपन, ऑलरेडी मैं एक प्रोग्राम बना चुकी हूँ इसका, वही मैं आपको एक्सप्लेन करवा रही हूँ। सो ये देखिए, ये एक एग्जांपल है। एक क्लास बनाया है मैंने सैंपल नाम का, जिसमें इंट ए लिखा है, एक वेरिएबल लिखा है। अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड पार्ट डिफाइन नहीं करती हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने अगर कोई प्राइवेट पार्ट डिफाइन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट आपका डेटा क्या होता है, प्राइवेट होता है, ठीक है? मतलब यहाँ पे मैंने प्राइवेट नहीं लिखा है, सो ये इंट ए जो है वो क्या रहेगा आप लोगों का, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए पब्लिक, पब्लिक के अंदर मैंने एक सैंपल नाम का क्लास लिया है, सैंपल नाम का कंस्ट्रक्टर लिया है, ठीक है? ये देखिए ये कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, बट ये जो कंस्ट्रक्टर है वो किस टाइप का है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। कंस्ट्रक्टर टॉपिक में मैंने आप लोगों को कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया था। सो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये आप लोगों का नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। कौन सा कंस्ट्रक्टर है? नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ओके? अब जरूरी नहीं है कि कंस्ट्रक्टर ही लेना है, आप सिंपल फंक्शन भी ले सकते हो। कंस्ट्रक्टर मैंने इसलिए लिया है कि मैं डेटा को एंटर कर सकूं, ठीक है? तो सेम आप फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हो, नो इशू। अब यहाँ पे ये जो फ्रेंड फंक्शन लिया है वो मैंने पब्लिक वाले सेक्शन में ही लिया है, ठीक है? ये फ्रेंड कीवर्ड लगा दिया और ये शो नाम का फंक्शन है, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे पब्लिक सेशन में लिखा। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको प्राइवेट में लिखते हैं। तो इसको मैं कट कर देती हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने फ्रेंड फंक्शन को प्राइवेट वाले सेक्शन में लिख लिया है। अब ये जो शो नाम का फंक्शन है वहां पे ब्रैकेट के अंदर कुछ क्लास का नाम है और उसका एक ऑब्जेक्ट है, वो क्यों लिया? बिकॉज अब ये जो हम लोग आउटसाइड दी क्लास इस शो फंक्शन के डेफिनेशन लिखते हैं, तो वहां पे स्कोप मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। बट इस शो फंक्शन में अगर मैं सैंपल नाम के क्लास का कुछ डेटा एक्सेस कर रही हूँ, तो उसको कैसे पता होगा कि ये जो डेटा है वो किसी क्लास का है? इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सैंपल नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब देखिए प्रैक्टिकली उसको कैसे लेते हैं। तो पहले तो हम लोग कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन लिखते हैं। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप देने की जरूरत नहीं है। देन आता है आप लोगों का क्लास का नाम, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन क्लास कंस्ट्रक्टर का नाम। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए कर दिया है, ठीक है? अब यहाँ पे शो फंक्शन जो है वो क्या है, फ्रेंड फंक्शन, जो कि मैंने प्राइवेट में लिखा है। सो प्राइवेट का डेटा हम लोग एक्सेस करवा सकते हैं यूजिंग फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। सो यहाँ पे ये जो शो फंक्शन है इसको मैंने कोई स्कोप नहीं दिया है, मतलब स्कोप मतलब हम लोग अगर लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है, क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड शो नाम का फंक्शन। बट शो नाम का फंक्शन आप लोग फ्रेंड फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको कोई स्कोप और क्लास के नाम के थ्रू डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैंने सैंपल एक्स, एक्स इज ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, ये क्यों लिया है? अब देखिए यहाँ पे शो नाम का जो फंक्शन है जिसमें मैं ए की वैल्यू प्रिंट करना चाहती हूँ, और ए नाम का वेरिएबल किसका है, सैंपल नाम के क्लास का। अब ये ए नाम का वेरिएबल ये सैंपल नाम के क्लास का है, बट यहाँ पे शो नाम का फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है कि ये किस क्लास का है, क्योंकि फिलहाल तो यहाँ पे एक ही क्लास है, बट ये डिफाइंड हो रहा है क्या कि ये शो नाम का फंक्शन इस सैंपल नाम के क्लास का है और हम लोग सैंपल के डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं? नहीं, बिकॉज यहाँ पे अगर बात करें कंस्ट्रक्टर, तो इसके सामने में दिख रहा है कि ये सैंपल नाम के क्लास का कुछ तो डेटा मेंबर है,
तो इसीलिए इसके थ्रू हम लोग ए की वैल्यू एंटर करवा रहे हैं। बट यहाँ पे शो करते समय मुझे कंसेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहा है कि ये जो शो नाम का फंक्शन है वो किसी क्लास का है, और मतलब कि उस क्लास के डेटा को हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट लिया है और ऑब्जेक्ट के थ्रू वो क्या कर रहा है, ए नाम के वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है, ताकि एटलीस्ट इससे तो पता चले कि ये ए नाम का वेरिएबल किसी क्लास का डेटा मेंबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे सैंपल नाम का क्लास होता और स्कोप होता तो मुझे यहाँ पे ये ब्रैकेट में डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज ये जो शो नाम का फंक्शन है वो तब क्या होता, किसी क्लास का है, और अगर किसी क्लास का डेटा मेंबर हम लोग एक्सेस कर रहे हैं तो डायरेक्टली इससे पता चल रहा है कि ये ए नाम का वेरिएबल है, ये किसी क्लास से बिलोंग करता है। बट यहाँ पे शो नाम का फंक्शन कैसा है, फ्रेंड फंक्शन, तो मुझे तब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्टली शो लिखा है। बट ये ए नाम का वेरिएबल है, ये कैसे पता चलेगा कि इस क्लास का है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सैंपल नाम का क्लास लेना पड़ता है और उसका एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ता है। सो एटलीस्ट इस ऑब्जेक्ट के थ्रू पता चले कि ये ए नाम का वेरिएबल किसी क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये हो गया। फिर उसके बाद मेन में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग void main के अंदर एक सैंपल नाम का क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है डायरेक्टली कॉल होता है आप लोगों का कंस्ट्रक्टर, इसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया, ए की वैल्यू एंटर की। अब मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू प्रिंट करनी है। बट ये शो फंक्शन है, ये फ्रेंड फंक्शन है, अगर मुझे इसको कॉल करना है तो फ्रेंड फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करते, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, शो फंक्शन आपका फ्रेंड फंक्शन है, उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करवा सकते, तो वो कैसे कॉल होता है, डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखिए शो वाला फंक्शन डायरेक्टली कॉल हुआ है, बट उसके ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट लिखा है। क्यों? क्योंकि शो फंक्शन के ब्रैकेट में भी कुछ तो लिखा है यहाँ पे। ठीक है, कभी भी जो वैल्यू होती है वो वेरिएबल टू वेरिएबल पास होती है और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट पास होती है, तो यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट के थ्रू आप लोगों ने वैल्यू एंटर करवाई है ए की, उसी ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ताकि ये वाला ऑब्जेक्ट इस एक्स वाले ऑब्जेक्ट में जाए और एक्स वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू ए वाली वैल्यू को प्रिंट करवाए। सो इस तरीके से ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब इसको हम लोग रन करते हैं। सिंपल सा एक वेरिएबल है, उसमें वैल्यू डाल रही हूँ जिसमें ए इक्वल्स टू टू प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सो ये होता है फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग प्राइवेट पब्लिक के डेटा को या प्रोटेक्टेड के डेटा को आउटसाइड द क्लास यूज कर सकते हैं, बट विदाउट क्लास का रेफरेंस लिए बगैर। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक क्लास बताया। ठीक है, और एक क्लास में यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बता देती हूँ। तो अगर मैं कोई दूसरा क्लास यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ तो मुझे उसको पहले ही डिक्लेयर करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्लास ले लेती हूँ बेसिक नाम का। ओके, और जब आप क्लास की कोई डेफिनेशन नहीं देते हो और डायरेक्टली वहां पे सेमी कोलन देते हो तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। क्या कहेंगे इसको, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। अब देखिए, दो फ्रेंड होते हैं, दो फ्रेंड के एक कॉमन फ्रेंड भी होता है। ठीक है, दो फ्रेंड है और उनका एक कॉमन फ्रेंड है। ठीक है, तो उस कॉमन फ्रेंड के पास इन दोनों फ्रेंड का डेटा होता है। ओके, इन दो फ्रेंड का जो भी डेटा रहेगा उनके कॉमन फ्रेंड के पास रहेगा। तो अब कंसीडर कीजिए, ये एक क्लास है और ये एक क्लास है। ओके, सो फर्स्ट क्लास को मैंने यहाँ पे कुछ बॉडी दे दी, उसके उसमें कुछ लिख लिया है, और इसमें मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है शो फ्रेंड। ठीक है, एक शो नाम का फ्रेंड है, फ्रेंड फंक्शन है। तो इसके अंदर मुझे दोनों क्लास का डेटा डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया दो फ्रेंड है और उनके एक कॉमन फ्रेंड है। तो समझ लीजिए ये एक फ्रेंड है और ये एक फ्रेंड है, और उनका कॉमन फ्रेंड कौन है, शो नाम का फंक्शन, जो कि शो नाम का कैसा है फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन। तो यहाँ पे इन दोनों का डेटा उसके पास होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूं बेसिक और यहाँ पे बी नाम का उसका ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये हो गया शो नाम का फंक्शन, फर्स्ट इसमें मैंने डाल दिया है, सैंपल नाम का कंस्ट्रक्टर बना लिया, उसको डेफिनेशन दे दी। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्लास की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं सेकेंड क्लास की डेफिनेशन लिख रही हूं,
बट मुझे उसको पहले ही डिक्लेयर करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये यूज हो रहा है शो फंक्शन के अंदर, इसलिए मुझे उसको पहले डिक्लेरेशन देना जरूरी है। और डिक्लेरेशन देते उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। अब देखिए यहाँ पे मैं एक सेकेंड वेरिएबल ले रही हूँ इंट बी नाम का, नहीं बी ऑलरेडी ले चुकी हूँ, यहाँ पे लेती हूँ सपोज सी नाम का वेरिएबल। ओके, सो सी नाम के वेरिएबल के बाद यहाँ सी नाम का जो वेरिएबल है वो प्राइवेट में है, यहाँ पे मैं फिर से फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का कॉमन फ्रेंड कौन है, शो फंक्शन, तो यहाँ पे भी मुझे उसको डिफाइन करना पड़ेगा। सो इसके अंदर फिर से मुझे फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसके पास फर्स्ट क्लास का भी डेटा है एंड सेकेंड क्लास का भी, मतलब खुद का भी डेटा है उसके पास। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे पब्लिक में फिर से यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर ही बना लेती हूँ, फंक्शन भी ले सकते हो, नो इश्यू, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ये जो मैंने बनाया है वो कैसा है, आप लोगों का नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, इतना हो गया। अब हम लोग इस कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास लिखते हैं, तो कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन कंस्ट्रक्टर का नाम। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर के थ्रू ए की वैल्यू एंटर की, वैसे यहाँ पे बी की वैल्यू एंटर करते हैं। सो यहाँ पे मैं बी की वैल्यू एंटर करूंगी, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, सॉरी बी, ओके, बी मतलब कि सी की वैल्यू एंटर करना है। उसके बाद सीन करेंगे हम लोग सी को, ठीक है, मतलब फर्स्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ए की वैल्यू एंटर हो चुकी है, सेकेंड वाले कंस्ट्रक्टर के थ्रू सी की वैल्यू एंटर हो चुकी है। अब यहाँ पे शो फंक्शन, शो फंक्शन दोनों में कॉमन है तो उसको दो बार डेफिनेशन देना जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि दो फ्रेंड है, दो फ्रेंड का एक कॉमन फ्रेंड है, तो वो कॉमन फ्रेंड को वो बार बार नहीं कॉल करते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे है कि दो क्लासेस है और दो क्लास के अंदर मैंने एक फ्रेंड फंक्शन कॉमन लिखा है, तो उस फ्रेंड फंक्शन में आपको जो कैलकुलेशन करना है आप वो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उस फ्रेंड फंक्शन के अंदर दोनों क्लास का डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको मैं एक ही बार डेफिनेशन दूंगी, बट यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा ये जो है इसमें सेकेंड वाला भी फंक्शन है, सेकेंड वाला भी क्लास है जिसका बी नाम का ऑब्जेक्ट। अब दोनों का डेटा उसके पास है, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करवाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि कुछ एडिशन परफॉर्म करूँ, सो यहाँ पे जस्ट मैं लिख देती हूँ एडिशन इक्वल्स टू, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन कुछ भी करवा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास दोनों का डेटा है। तो अभी फर्स्ट क्लास के डेटा को मुझे एक्सेस करना है ए को, तो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं उसको एक्सेस करूंगी, दैट इज एक्स डॉट ए। अब प्लस करती हूँ, दोनों को डेटा को मुझे एडिशन करवाना है, सेकेंड क्लास का डेटा उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा, सो ऑब्जेक्ट डॉट सी, ठीक है, सी इज अ वेरिएबल ऑफ सेकेंड क्लास, ठीक है, तो उसके थ्रू उसका डेटा एक्सेस होगा। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, एडिशन हो चुका है। अब देखिए ये हो चुका है, फ्रेंड फंक्शन ने करवा दिया, अब इसको हम लोग कॉल करते हैं। पहले क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू पहला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मतलब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब मुझे फिर से सेकेंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सो उसके थ्रू क्या होगा, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। अब ये जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे उसके थ्रू ए एंड सी की वैल्यू एंटर हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन को दो बार कॉल करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार कॉल करने की जरूरत है, बट उसके अंदर दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू फर्स्ट का डेटा आ रहा है और सेकेंड ऑब्जेक्ट के थ्रू सेकेंड का डेटा आ रहा है। तो जैसे ही ये शो फंक्शन कॉल होगा तो ओबी वन नाम का ऑब्जेक्ट है वो एक्स में जाएगा एंड ओबी टू नाम का ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा, बी में जाएगा। सो इस तरीके से ये शो वाले फंक्शन में कैलकुलेशन करके प्रिंट करवा देगा। अब इसको मैं आपको रन करके बता रही हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट डेटा एंटर किया, ये सेकेंड डेटा एंटर किया एंड एडिशन इक्वल्स टू थ्री। तो यूजिंग फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हम लोगों ने ये टास्क परफॉर्म किया है। तो अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। फ्रेंड फंक्शन को आप प्राइवेट में लिखो या पब्लिक में लिखो या प्रोटेक्टेड में लिखो, वो कहीं से भी आपके डेटा को एक्सेस करवा सकता है, ठीक है। ये पहले एक्सेस नहीं होता था क्योंकि हम लोग अगर
प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड के अंदर कुछ लिख रहे थे तो उसके कुछ लिमिटेशन थे, बट अब वो लिमिटेशन को ओवरकम कौन कर रहा है? आप लोग, फ्रेंड फंक्शन कर रहा है, ठीक है? सो इस तरीके से फ्रेंड फंक्शन होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है? सो अगर और आप लोगों को इसमें डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू।